हे गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। चलिए आ गया शेड्यूल भी, जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस एग्ज़ाम शेड्यूल के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की होगी, अपने प्रिपरेशन के तरीके को थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश की होगी। और अगर आप अभी तक भी शेड्यूल नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप अपना एग्जामिनेशन शेड्यूल देखिए। टर्म वन के एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होने वाले हैं, जो मेन एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम के शेड्यूल के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करिए। और इन कुछ बातों का आप ख्याल रखिए ताकि आप एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में 100% गेन कर सकें। अगर आप 100% गेन करना चाहते हैं तो मेरी इन चंद बातों का आपको ज़रूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन बातों को ख्याल रखने से आपको मिल सकेंगे पूरे 100% मार्क्स। और थोड़ा सा बातें शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप लोग एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन को एक सही तरीके से और सही ढंग से कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात, आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। जो हमने उम्मीद की थी उससे थोड़ा आगे चला गया। हमने माना था कि नवंबर के मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर में चले गए हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपको और ज़्यादा मिल गया है। कुछ बच्चों को उससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी और कुछ को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही होगी, क्योंकि हर एक का अपना अपना सिचुएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हर इंसान रिएक्ट करता है। चलिए, खैर, तो मैं आपको बताता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपके भी बोर्ड्स में जो है ना 100% मार्क्स आ जाएं, आप भी बोर्ड में बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करें, तो आपको अभी फ़िलहाल किन बातों का ख़ास तौर से ख्याल रखना होगा। देखिए, नंबर एक, सबसे पहली बात, एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल को आप ध्यान से देख लीजिए। अपने एग्ज़ाम पेपर को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि इस तारीख को मेरा पेपर है, और फिर ही उस एग्ज़ाम शेड्यूल के हिसाब से आप अपने बचे हुए इस टाइम पीरियड को, जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले के लिए आपके पास अभी से बचा हुआ है, उस टाइम पीरियड को रीशेड्यूल करिए। उसको रीशेड्यूल करने से आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन को एक सही ढंग से और लगातार एग्जामिनेशन पीरियड तक कंटिन्यू करने में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी बीच कुछ त्यौहार भी आने वाले हैं, कुछ फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उन फेस्टिवल्स में हम लोग कई बार गुम हो जाते हैं, तो हमें अगर हमने अपनी प्रिपरेशन को रीशेड्यूल कर लिया और उन फेस्टिवल्स को भी उसमें इंक्लूड किया, तो फिर हम लोग बड़े आसान तरीके से एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सकेंगे। दूसरी बात, जब आप अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल कर लें तो फिर देखिए कि उसमें आपके सबसे वीक एरियाज़ कौन से हैं। जो सब्जेक्ट्स या जो टॉपिक आपके वीक एरियाज़ में हैं, आप उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए, सबसे पहले उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अभी अच्छे से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, उतना एग्ज़ाम के करीब आने पर नहीं कर सकेंगे। जो वीक एरियाज़ होते हैं उनको पहले कवर कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम टाइम में आप अगर उन वीक एरियाज़ को उठा के बैठेंगे तो जो आपका अच्छे से जो तैयार है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो भी आपको जो है ना उतना फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेंगे, क्योंकि आप उन्हीं वीक एरियाज़ में उलझ के रह जाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको अपने शेड्यूल को एग्ज़ामिनेशन के शेड्यूल के हिसाब से रीशेड्यूल करना है। दूसरी बात, उन शेड्यूल को बनाते समय आपको अपने वीक एरिया को प्रेफरेंस देनी है। जो आपके वीक एरियाज हैं, जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, उनको पहले प्रेफर करिए, और कम से कम अब से लेकर 15 दिनों तक आप उन वीक एरियाज पर बहुत मेहनत करिए, ताकि आपको वो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएं। और जब वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएंगे, तो आपके पास जो बचा हुआ टाइम होगा, अब आप उसको रिवाइज करने में बहुत अच्छा समय बिता सकेंगे। नंबर तीन बात, आप जरूर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, ठीक है ना। अगर आपने अपने आप सिलेबस रीशेड्यूल कर लिया तो फिर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, क्योंकि कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हैं। पहले से जितनी किताबें आपके पास मौजूद हैं, उन किताबों में पूरा सिलेबस मौजूद है, लेकिन उनमें अब कुछ टॉपिक क्योंकि डिलीटेड हैं, तो जो टॉपिक डिलीटेड हैं, आप उन टॉपिक को फ़िलहाल फोकस मत करिए, क्योंकि कुछ स्कूल्स में और कुछ जगह पर आपको वो टॉपिक भी पढ़ाए जा रहे होंगे जो टॉपिक आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है, फिलहाल के सिलेबस में मौजूद नहीं है। लेकिन आप अगर टर्म वन की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी हो जाएगा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। डिलीटेड टॉपिक पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन टॉपिक्स को आप उस समय पढ़िए जब आपके एग्जामिनेशन का पीरियड ना चल रहा हो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते समय आपको कुछ खास बातों का और ध्यान रखना होगा। तो तीन बातें बचा हुई, चौथी बात क्या है, देखिए, फोर्थ नंबर, आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक के फॉर्मूलाज को और उनके कंक्लूज़न को बहुत अच्छे से
नोट डाउन करके उनको बार 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 रिवाइज़ करिए, क्योंकि अब की बार थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स तो होने नहीं हैं, आपको लिखना तो है नहीं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो देना नहीं है, तो इसलिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को समझकर उसका कंक्लूज़न क्या निकल के आ रहा है, उसके फॉर्मूले क्या बन रहे हैं, उन फॉर्मूलों को आप बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे कोई टेबल, छोटा बच्चा टेबल याद कर लेता है, वैसे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने आप अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अपने टाइम को रिशेड्यूल करना है। दूसरे नंबर पर आपको अपने सिलेबस के वीक पॉइंट्स ढूंढने हैं, और जो वीक पॉइंट्स हैं उनको आपको, उन वीक पॉइंट्स को आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में बदलना है। तीसरी बात, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। चौथी बात, आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनके फॉर्मूले और उनके कंक्लूजन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। फिर पाँचवीं बात, आपको उन सब्जेक्ट्स के जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बनते हैं या जिनके कंक्लूजन बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, उन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को आप बुलेट पॉइंट्स में बनाकर नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में। यानी जब नोट्स तैयार कर रहे हो तो बुलेट पॉइंट्स में नोट तैयार करिए। बुलेट पॉइंट्स से मतलब होता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए, ठीक है ना, एक पैराग्राफ वाले नोट्स मत बनाइए, क्योंकि पैराग्राफ नोट्स जो होते हैं वो आपको एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो आपको एमसीक्यू एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि सीधे सीधे जो आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे उन बुलेट पॉइंट्स से आपको सीधे सीधे न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं टर्म वन में, वो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको बुलेट पॉइंट बनाकर पढ़िए, और जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं उनके फॉर्मूले और उनके कंक्लूजन को बहुत ध्यान से पढ़िए। और जब आप ये सब कर लें तो आपके पास पूरा सिलेबस जब आपका तैयार हो जाएगा, तो उस पूरे सिलेबस को तैयार करने के बाद आपका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम बचेगा लास्ट टाइम में, यानी कि एग्ज़ाम से लगभग 15 दिन पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके लिए ये पैटर्न नया है और आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने से आप रह जाएंगे। तो मैंने आपको जो 6 बातें बताई हैं उनको मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहली बात, आप अपने एग्जामिनेशन शेड्यूल के मुताबिक अपने बचे हुए टाइम को रीशेड्यूल करिए। दूसरे नंबर पर, अपने वीक एरियाज को पहले छांट लीजिए और जो आपके वीक एरियाज हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए, और पहले उनको तैयार करके उसके बाद ही आप आगे दूसरे जो और ये एरियाज हैं उनको उठाइए और रिविज़न शुरू करिए। तीसरे नंबर पर, जब आप अपने वीक एरियाज को भी अच्छे से तैयार कर लें, तो तीसरे नंबर की जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ने को मिल जाएगा, ज़्यादा चीज़ें तैयार हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। फिर उसके बाद जब आप अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट्स कॉन्सेप्चुअल हैं या ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, उन सब्जेक्ट्स के आप फॉर्मूले और उनके कंक्लूजन बहुत अच्छे से नोट डाउन करके उनको बार बार रिवाइज़ करिए। और फिर पांचवें नंबर पर, जो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हैं उन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को आप बुलेट पॉइंट्स में नोट तैयार करके, बुलेट पॉइंट्स में मतलब पॉइंट टू पॉइंट उनके नोट्स बनाकर, छोटे छोटे नोट्स बनाकर उनको बार बार रिवाइज करिए। और जब आप ये सारे काम कर सकें, कर लें, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। हर तरीके का एमसीक्यू आपकी नज़र से निकल जाना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ जान गए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपकी ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स में भी इनको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आपसे इसी तरह जुड़ा रहूं। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।